नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी मैं उम्मीद करता हूं कि इसी महीने में घोषित होने वाली, और मैं कह सकता हूं, मैंने उसे देखा, मैं कह सकता हूं कि देश के शायद किसी दूसरे राज्य की इंडस्ट्रियल पॉलिसी ऐसी हो। और उस पॉलिसी के आने के बाद मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि आने वाले 3 वर्षों में कम से कम 25,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आएगा। एटलीस्ट 25,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट विल कम टू JNK, और उसमें फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री हो, कोल्ड स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इसकी कमी नहीं रहने वाली है। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। कल मैं बांदीपुरा में था, एक नौजवान वहां मिला, बी कीपिंग का काम करता है, प्योर हनी ऑर्गेनिक हनी बनाता है और उसकी डिमांड भी बहुत है, उसे मार्केट में सप्लाई करते हैं वो। और उन्हें बड़े फक्र से बताया कि वो हर साल 8 लाख रुपया कमा लेते हैं, और ये भी कहा कि अपने गांव के कुछ नौजवानों को भी इसके साथ हम जोड़ रहे हैं, अगर वहां हो सकता है तो यहां क्यों नहीं हो सकता है। मुझे लगता है इस पर विचार करने की जरूरत है। मुझे उनके जज्बे को देख करके, एंटरप्रेन्योरशिप के जज्बे को देख करके मुझे तसल्ली हुई कि यहां के लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं। और मेरी दिली ख्वाहिश है कि कुलगांव के हमारे नौजवान भाई भी इसी तरह के इनोवेटिव आइडियाज पर काम करें, और हम आपको भरोसा देते हैं कि अगर इस दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तो पैसे की कमी नहीं होने दी जाएगी। जिस नौजवान को काम करने के लिए पैसा चाहिए, निश्चित रूप से प्रशासन की ओर से हम सब उपलब्ध कराएंगे। और इसीलिए बैक टू विलेज में एक कार्यक्रम हमने ये भी रखा है कि हर पंचायत में कम से कम 2 यूथ को हम आइडेंटिफाई करें, वो लड़का हो, लड़की हो, बच्चा हो, बच्ची हो, जो इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। और स्पेशल डेस्क हमने शुरू कराई है जम्मू कश्मीर बैंक में, जिससे उसे ऋण उपलब्ध कराया जा सके।